परम अवतार श्री कृष्ण। भगवान कहता है तू अपने आप को, अरे तू तो कपटी मनुष्य से भी अधिक छल करता है, लज्जा नहीं आती तुझे? जब हम असुर से पार नहीं पा सका तो मोहिनी का रूप धारण करके छल करने चला आया। यदि साहस होता तो विष्णु के रूप में आता हमारा सामना करने। कंस, जैसे मेरे नाम अनेक है वैसे ही मेरे रूप भी अनेक है। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, पर्वत सब में मैं ही हूँ कंस। कहीं भी किसी भी रूप में अवतरित हो जाता हूँ। वारे छलिए, तू अपने छल के रूप को अवतारी रूप कह के गर्व की अनुभूति कर रहा है। इसे छल नहीं कहते कंस, अभी तो योजना कहते हैं, रणनीति कहते हैं। क्योंकि अधर्म जब बहुत शक्तिशाली हो जाता है तब धर्म को अनेकों मार्ग अपनाने पड़ते हैं। तुम जैसे अधर्मियों और असुरों को संहार करने के लिए अनेकों रूप धारण करने पड़ते हैं। मेरा संहार कोई नहीं कर सकता, उद्वान हूं मैं और युगों युगों तक रहूंगा। संसार की कोई भी देवी कोई भी देवता मेरा अंत नहीं कर सकते। तू क्या है? अधर्मियों का संहार तुम्हें हर युग में करता हूँ कंस, और इस युग में भी करूँगा। समुद्र मंथन का उद्देश्य ही था कि इस युग में तुम्हारे अंत का, और वो तो आरंभ में था इस अंत का। सारी समस्या की जड़ वो विष्णु है, आज उसका अंत कर संसार से समस्त देवताओं का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। जब जड़ ही नहीं बचेगी तो शाखाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तुम सत्य कह रहे हो कालनेमी, भूल हमारी थी कि हम विष्णु को छोड़ के बाकी देवताओं को मारने चले थे, परंतु अब उसे नहीं छोड़ेंगे, अब उसका अंत करके ही दम लेंगे। योग निद्रा में सोने वाले विष्णु, जाग जा, देख देख अपने काल को, कालनेमी को। तेरा वध करने आया हूं मैं, तुझे सदा के लिए चिर निद्रा में सुलाने आया हूं। उठ जा।